Hello. Let's go to Marie Bourbon. अब हम लोग आ चुके हैं जी मियाँ जी होटल पे। ये पीछे आप देख सकते हैं मियाँ जी होटल। तो ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो नाश्ता करने के लिए आए हैं। तो भूख बहुत सख्त आ रही है, अब देखते हैं नाश्ते में क्या मंगवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। रखी है पराठे और ये चने की दाल और ये चने और अंडे शंडे और पराठे। पराठे तो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। ये मेरा हाथ देख लें, मेरे हाथ से भी ज़्यादा, मेरे हाथ की चौड़ाई से ज़्यादा बड़ा पराठा है। हाँ जी, तो भाईजान हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। तो ये मैं इस वक्त अपने रिज़ॉर्ट के जो है ना वो टेरेस में खड़ा हूँ। बहुत खूबसूरत रिज़ॉर्ट है और ये मेरी बैक पे व्यू है टेरेस का। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। अटैच विंडोज़ हैं, उन तक ये रसाई दी गई है। और ये टेरेस से व्यू है हमारा यहाँ पे। अब रात को हम ये जो है ये जगह एरिया, ये यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह होगा। और ये पूरा टेरेस है, काफ़ी ज़्यादा खुला टेरेस है और इन्जॉय हो सकता है इस पर, बारबेक्यू वगैरह भी हो सकता है। और इस रिज़ॉर्ट का नाम भी मैं आपको बताऊंगा और डिटेल्स भी बताऊंगा। ये हमारी पार्किंग है, ठीक है जी। ये हमारी एक गाड़ी, वो हमारी दूसरी गाड़ी। और ये इस तरफ से व्यू है पार्किंग के। बाकी यार आने वाला जो रास्ता है ना, वो बड़ा डेंजरस किस्म का है, बड़ा एडवेंचरस किस्म का है। तो एक दफ़ा ना इंसान को जो पूरा एडवेंचर हो जाता है कि भाई बहुत ही जो है ना वो ख़तरनाक रास्ता है। जो टेरेस व्यू है ना, इससे अगर हम यहाँ से नीचे से चलिए चढ़ के ऊपर आएँ तो बिल्कुल ये एंट्रेंस है। और ये हमारे भाई हैं जिनसे हमने लिया है। और ये फ्रिज की सारी फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर। और ये जो है डाइनिंग एरिया है हमारा। और ये हमारी एलसीडी लगी हुई है। और ये जो है हमारा वो पूरा हमारा सिटिंग एरिया है, टीवी लॉन्च वगैरह। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे, सब कुछ बहुत प्यारा बना हुआ है इस रिज़ॉर्ट के अंदर। ये अगर फ्रिज की तरफ से इस तरफ आएँ तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे फ्रिज के ये पहला किचन है, किचन वन। और ये बना हुआ है और ये साथ ही किचन टू है, जिसके अंदर बॉक्स वगैरह भी लगे हुए हैं। और ये सिंक है, ये बॉक्सेस हैं। और इस वक्त लॉक है, अभी हम उनसे चाबी मंगवा लेते हैं। और ये किचन के साथ व्यू है, यार क्या बात है। ये इसको इग्नोर कीजिएगा, ये जो है ना मैं लेटा था तो ख़राब हो गया। बाकी इनकी रूम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, सर्विस भी बहुत अच्छी। और ये काफ़ी स्पेशियस सा रूम है, हमने ये 3 bedrooms अपार्टमेंट लिया। बाकी ये जो हमारा रूम है, इसके एक विंडो से ये व्यू आ रहा है हमें इस रूम से। काफ़ी मज़े का व्यू है, जब सो के उठेंगे ये पर्दे पीछे करेंगे तो एक जो है ना वो रिफ्रेशिंग एहसास होगा। और उसी विंडो के साथ एक विंडो हमें यहाँ पे भी मिल जाती है, बिल्कुल बेड के ऊपर। और इसका ये व्यू है, ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। अब जैसे ही ये कमरे से बाहर निकले तो ये उन्होंने मिरर दिया हुआ है। वाशरूम भी आपको दिखा देते हैं जी, ये वाशरूम है जी। इसमें कमोड की फैसिलिटी भी है, लेकिन वो दूसरा वाशरूम में भी फिट नहीं है। बाकी ये है दूसरा वाशरूम है, तो ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। और ये इसका बाथिंग एरिया है, वो टॉवल के लटकाने के लिए है। और ये कमोड, आपको यकीन आ रही है कि ये कमोड भी लगा हुआ है। तो सब फैसिलिटीज अभी आ जाएंगे तो फिर मैं आपको दोबारा दिखा दूँगा। हाँ जी भाई, हम लोग रात होने वाली है अब, तो हमें तकरीबन पिछले आधे घंटे से भेजा हुआ घर वालों ने कि जाओ मेडिकल स्टोर से जाके ले जाओ सामान। वो इसे लिफ्ट ही ले लेते यार।
लग समझ गई है यार, यार ट्रैक खत्म हो गया है, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। यार ये सही एडवेंचर है मेरे लिए, क्या करो यार, सारा जंगल ही जंगल है, ऊपर भी जंगल है नीचे भी। ओए ओए मेरे पैर में मोच आ गई। ओए हाँ जी भाई जान, ये है इधर का कुर्बन का मेडिकल स्टोर, यहाँ से आप लोगों ने अपना ये जो मेडिसिन वगैरह चाहिए थी वो ले ली है, और एक दो लेज वगैरह भी पकड़ ली है। ये बकायदा पूरी मार्केट है, इसमें सब्जी की दुकानें और करियाने की स्टोर और ये खाने पीने के होटल, प्रॉपर्टी डीलर, ये सारे मार्केट है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बार्बर की शॉप है, हेयर सलून है, और ये मीट वाली शॉप है, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, अब हमारा सफ़र शुरू होता है वापस से, ख़तरनाक वापसी वाला। और वो व्यू देखे जो रात को आसमान तारे ज़मीन पर आ गए, वो भी आपको टेरेस में जाके अपने घर के फिर दिखाएंगे। हाँ जी भाई, चल रहे बस हो गई है, और आपको कुछ मुझे लगता है नज़र भी नहीं आ रहा होगा, और ट्रैक नहीं ख़त्म हो रहा, और मुझे डर ये लग रहा है कि कोई जानवर ना आके हमला कर दे। मकामी लोगों से हमने पूछा, वो कहते हैं यहाँ पे भेड़िए घूम रहे होते हैं, लेकिन तारे मारा तो डर के भाग जाते हैं। बस खैर खैर से पहुँच गए हम घर, फाइनली अपना घर आ गया, और अंधेरा फुल है, आपको पता है इधर कहीं कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, तो शुक्र है। बहरहाल प्लेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और पीसफुल है, पीस ऑफ माइंड फुल है यहाँ पे। लो जी फाइनली पहुँच गए अपने घर, चलते हैं यहाँ पर रेस्ट मारते हैं, चिल करते हैं।